हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। और आज 10 नवंबर है और कल यानी कि 11 नवंबर को हमारे यहां 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। तो अगर छठ पूजा के बारे में बात करें तो ये सिर्फ हमारे लिए पूजा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है और इस छठ पूजा को सारे बिहारी संजोए रखना चाहते हैं। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला था, सुबह के 6 बज रहे हैं और पता नहीं आपको दिखे या ना दिखे, सूर्योदय हो रही है। और मैंने सोचा कि छठ पूजा कहाँ पे की जाती है आज ही आपको रिकॉर्ड करके दिखाया जाए, कल के दिन बहुत भीड़ हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मैं बात करूँ कि छठ पूजा कहाँ पे की जाती है तो सच बात तो ये है कि गंगा किनारे छठ पूजा की जाती है। पटना में बड़े धूमधाम से गंगा किनारे छठ पूजा होती है, लेकिन जहाँ पर गंगा जी नहीं है वहाँ पर किसी भी तालाब के किनारे इसको गंगा जी मानकर और तालाब के किनारे छठ पूजा की जाती है। और मैं अपने पीछे दिखाऊं, ये छठ माता है। ईंटे का एक टीला बनाया गया है और एक एक फैमिली की सबका अपना अपना छठ माता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे बने हुए हैं और यहाँ पे जगह कम होने की वजह से कुछ लोग वहाँ भी शिफ्ट कर गए रोड पर। तो ये मेरी छठ माता हैं ये, और मेरे पूरे परिवार के लोग, जो मेरे चाचा हैं, बड़े पापा हैं और मेरे घर के लोग, पूरी फैमिली यहाँ पे आके बैठेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नए छठ का भी निर्माण हुआ है और इधर भी कुछ लोग नए भी बनवाए हैं। तो घर में कुछ नया काम होता है या फैमिली बड़ी हो जाती है तो छठ माता आप अलग भी बनवा सकते हैं, तो कुछ लोगों ने इस साल अलग बनवाया है। और यहाँ पर आप बहुत सारी झाड़ी देख रहे होंगे, इसका आज सफाई होगा और कल नहाए खाए है, मैं यानी कि कुछ डाइट चार्ट के अनुसार खाना होता है। और उसके बाद परसों पूरा दिन फास्टिंग और उसके अगले दिन भी फास्टिंग, और शाम को उस दिन छठ घाट पे यहाँ पे आके पूजा होती है और उसके अगले दिन मॉर्निंग में सूर्य देवता की पूजा करके 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा की समाप्ति होती है। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला था तो मैंने सोचा कि आज ही यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, कल हो सकता है कि भीड़ हो और मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, आप सभी को दिखा ना पाऊँ कि छठ पूजा कहाँ पर होती है। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, मैं शुरू से लेकर 4 दिनों तक पूरा वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ।